क्या सभी के लिए होने वाली है अब बाजीराव और ईशान की लड़ाई। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि सभी के लिए अब दो दो लड़के पागल होने वाले हैं। अब इन लड़कों में एक बाजीराव है और दूसरा ईशान। ऐसे में सभी किसका साथ देगी, सभी किसकी होगी एंड में, चलिए बताते हैं। वेल, सबसे पहले आज के ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि सभी हरिणी को लेकर बहुत परेशान थी। अब इसी के चलते वो जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो बाजीराव से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि किरण कैसा इंसान है, कैसे उसने उसकी ताई के साथ मारपीट की, और ऐसा वो पहली बार नहीं बल्कि अक्सर करता रहता है। वहीं पर ये बातें सुनकर बाजीराव हैरान हो जाता है। अब बाजीराव सभी और हरिणी दोनों का फुल सपोर्ट कर रहा है। हालांकि सभी जो है वो सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हरिणी उसे रोक देती है। अब सभी वहीं पर सबके सामने हरिणी से कहती है, ताई आप कब तक चुप रहेंगी, कब तक सहती रहेंगी, आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसी हालत में उसने आप पर हाथ उठाया तो आपको क्या अब भी लगता है कि वो इंसान सुधर जाएगा। वहीं पर सभी जो है वो प्रूफ दिखाती है और बाजीराव से कहती है कि ये वो कन्फेशन है जो किरण ने मेरे लिए किया था, क्योंकि किरण ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और इस वीडियो में उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है। ये बातें सुनकर बाजीराव हैरान हो जाता है। बाजीराव वीडियो देखता है, ये सारा सीन चल ही रहा है कि तभी आपको बता दें एक और सीन आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ईशान को बाजीराव ने कॉल किया है। बाजीराव ईशान को कॉल करता है और कहता है, ऐसा है तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। इस बात पर ईशान हैरान हो जाता है कि ऐसे मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ बाजीराव एक बात नहीं सुनता और कहता है, अरे एंग्री बर्ड जल्दी से आ जाओ। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से अभी से ही बाजीराव और ईशान के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इस बार सभी ने ऐसा क्या किया है, क्या सभी ने ईशान के खिलाफ कंप्लेंट करवाई है जिसके चलते बाजीराव ने उसे कॉल किया है? क्योंकि आप जानते हैं कल के एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से ईशान ने सभी के सपोर्ट में जाकर किरण के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद सबके सब हैरान हो गए थे। वहीं पर अब आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किरण पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, जहां पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेकर आई है, जहां पर अब हरिणी बार बार यही कहती है कि सभी प्लीज मुझे लगता है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सभी अब किसी की नहीं सुन रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि जहां बाजीराव भी सभी की बातों से इम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि सभी और बाजीराव की बातें सेम सेम हो रही हैं, दोनों की थिंकिंग सेम है, दोनों के थॉट सेम है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सभी की कहानी आखिर किसके साथ जुड़ेगी। आपका क्या कहना है, आप किसके साथ देखना चाहते हैं सभी को, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।